हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे से होंगे। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आप ही के यूट्यूब चैनल में। मेरे सभी मित्र मस्त और स्वस्थ होंगे इसी उम्मीद और आशा के साथ में आज की वीडियो की शुरुआत कर रही हूँ फ्रेंड्स। और आज मैं आपसे जो है ना अपना छोटा सा जो मेरा किचन गार्डन मैंने तैयार किया है वो मैं आज आपसे शेयर करने जा रही हूँ। तो देखिए मेरे गार्डन में क्या क्या लगा हुआ है दोस्तों। बहुत अधिक चीज़ें नहीं लगाई हैं लेकिन हाँ थोड़ा बहुत जो है लगाया है। और हम टेरेस गार्डन में अगर इस तरीके से छोटी छोटी चीज़ें भी उगा लेते हैं ना तो बहुत ही खुशी होती है दोस्तों। बहुत ही अच्छा लगता है कि देखिए ये इन अपने हाथों से हमने इन पौधों को तैयार किया, फिर इन गमलों में हमने रिपोर्ट किया और रिपोर्ट करने के बाद जब हम इनमें रिज़ल्ट देखते हैं और रिज़ल्ट मिलता है हमें पॉजिटिव, तो सच मानिए दोस्तों बहुत खुशी होती है और अत्यंत खुशी होती है। चलिए देख लेते हैं मेरे गार्डन में ऐसी क्या चीज़ें हो रही हैं। तो इस बार मैंने दोस्तों बेशुमार जो लगा दिए हैं बैंगन के पौधे, बहुत सारे बैंगन के पौधे लगा दिए हैं और इस बार मैंने सबसे ज़्यादा बैंगन के पौधे लगाए हैं अपने गार्डन में। और बैंगन भी आने जो है ना शुरू हो गए हैं। तो मैं दिखाऊं आपको, सबसे पहले ये देखिए, ये एक बैंगन यहाँ लगा हुआ है। ये देखिए कितना अच्छे से हेल्दी बना हुआ है ये बैंगन। और यहाँ पर ये देखिए ये मिर्ची का पौधा है जिसमें देखिए हरी मिर्च आ रही है। ये मेरा न्यू वाला पौधा है। और मैं दिखाऊं आपको और भी अपना बैंगन, तो ये देखिए एक छुटकू सा बैंगन यहाँ पर ये निकल कर आ रहा है और एक छुटकू सा बैंगन यहाँ पर ये निकल कर आ रहा है। ये सारे ही गमले मैंने अभी कुछ समय पहले ही रिपोर्ट किए थे और देखिए कितने अच्छे से सभी प्लांट की मेरे ग्रोथ हो रही है। काफ़ी हेल्दी प्लांट हो रहे हैं बैंगन के। और यहाँ पर ये देखिए यहाँ पर भी ये मेरे बैंगन है, तो आप देख रहे हैं यहाँ पर भी एक ये छुटकू बैंगन आ रहा है। ये देखिए यहाँ पर ये वाला, ये भी एक छुटकू बैंगन आ रहा है। यहाँ पर भी ये है मेरे दो प्लांट जो है ये टूटी हुई बाल्टी में मैंने लगाए हैं, इसमें भी जो है अच्छे से फ्लावर आ रहे हैं। ये एक पौधा ये भी लगाया है मैंने, ये भी बैंगन का है, इसमें भी ये अच्छे से फ्लावरिंग हो रही है। और मिर्ची तो मैं दिखा ही रही हूँ दोस्तों आपको कि मिर्ची के मैंने इस बार चार पौधे लगाए हैं, चारों में ही अच्छे से फूल आ रहे हैं और फल भी बन रहे हैं। यहाँ पर मैंने दिखाया आपको ये मिर्ची बन रही है और यहाँ पर भी जो है इसमें भी मिर्ची बन रही है। ये देखिए ये रही फ्रेंड्स, ये देखिए ये मिर्ची बन रही है यहाँ पर। और वो मैंने अभी कुछ समय पहले रिपोर्ट किया था, वो छोटे गमले में था दरअसल, तो उसकी ग्रोथ ना बहुत अच्छी हो नहीं रही थी दोस्तों। तो इसको मैंने अभी थोड़े से जो है 10 इंच के पॉट में लगाया है, तो इसकी जो है अब ग्रोथ होने लगी है। और ये तो आप देख रहे हैं ये वेस्ट मटेरियल में लगा हुआ, और इसमें तो आई हुई हैं ढेरों मिर्चियाँ। ये देखिए बहुत सारी मिर्चियाँ हैं, ये देखिए यहाँ पर ये लगी हुई हैं, ये देखिए कितनी सारी मिर्चियाँ हैं। ये देखिए यहाँ पर ढेरों मिर्चियाँ इसमें आई हुई हैं यहाँ पर, ये देखिए बहुत सारी मिर्चियाँ हैं। और भी मैं आपको अपने बैंगन के पौधे दिखाती हूँ। एक इसमें जो है वेस्ट मटेरियल के कंटेनर में दो पौधे मैंने लगाए हुए हैं और आप देखिए कितनी ढेरों मिर्चियाँ हैं दोस्तों, इतनी सारी इसमें मिर्चियाँ आई हुई हैं। पूरा जो पौधा है वो मिर्चियों से लदा हुआ है। दरअसल क्या है कि पौधा भी हरा है और मिर्चियाँ भी हरी होती हैं तो वो दिखाई नहीं पड़ती हैं, तो अंदर अंदर में यहाँ पर बहुत सारी मिर्चियाँ हैं। ये देखिए यहाँ पर अंदर अंदर में है, ये देखिए यहाँ पर ये मिर्च है, यहाँ पर ये मिर्ची है, ये भी यहाँ पर मिर्च है, यहाँ पे दो मिर्ची यहाँ पर लगी हुई हैं, एक मिर्च ये है, यहाँ पर भी देखिए तीन मिर्ची यहाँ पर हैं। ये देखिए और ऊपर में भी आपको मिर्च दिखाई देगी और पीछे में यहाँ पर देखिए कितनी बड़ी बड़ी मिर्ची हो रही हैं। और वेस्ट मटेरियल का कंटेनर है दोस्तों, ये देखिए कितनी बड़ी बड़ी कितनी सारी हरी मिर्ची हो रही हैं, ये देखिए। तो इस तरीके से दोस्तों आप जो है ये छोटे छोटे जो है इस तरीके के मिर्ची के पौधे लगा सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर भी ये मिर्ची हो रही है, यहाँ पर भी मिर्ची है, ये भी यहाँ पर मिर्ची आ रही है। और अभी मैंने कुछ पौधे और भी लगाए हैं दोस्तों, अभी भिंडी वगैरह के लगाए हैं कुछ, तो देखें कि उनकी क्या रहता है उनका रिज़ल्ट। तो यहाँ पर भी देखिए इतने सारे ये मिर्ची के पौधे हैं। कुछ पौधे मेरे यहाँ पर हैं बैंगन के, ये देखिए ये यहाँ पर ये पौधा है,
ये पौधा है, यहाँ पर ये है, यहाँ पर ये है, वहाँ पर वो है, यहाँ पर ये है और ये मैंने अभी कुछ समय पहले ही रिपोर्ट किया था आटे के ग्रो बैग में। देखिए दोस्तों, आटे के ग्रो बैग में मेरा मिर्च बैंगन का पौधा बहुत ही अच्छे से ग्रो कर रहा है, ये देखिए। और यहाँ पर भी जो है बैंगन लगा हुआ है, मैं दिखाती हूँ आपको, ये वाली बाल्टी में भी बैंगन आया हुआ है, वो देखिए, वो देख रहे हैं, वहाँ पर वो बैंगन आया हुआ है। फ्लावरिंग बहुत अच्छे से हो रही है, ये देखिए। और इसकी मुझे करनी है गुड़ाई, और जितने भी इसके जो ड्राई लीव्स वगैरह हैं वो सब मुझे निकालने हैं। तो इस बार मैंने जो है बैंगन के बहुत सारे पौधे लगाए हैं दोस्तों, ये देखिए। तो इस तरीके से बहुत ही अच्छा लगता है इन छोटे छोटे कंटेनरों में जब देखते हैं कि इतने सारे फ्रूट लगे हुए हैं, बैंगन, मिर्चियाँ, तो बहुत अच्छा लगता है देखने में। हालांकि हमारी घर की पूर्ति इन चीज़ों से नहीं हो पाती है, लेकिन अगर हम अच्छे से करें, बहुत अच्छी सी मात्रा में हम सब ये लगाएं, अच्छे से करें, तो काफ़ी हद तक जो है हमारा जो है पूर्ति भी हो सकती है इन चीज़ों से। तो ये है मेरा छोटा सा किचन गार्डन दोस्तों। तो मैं उतना ही करती हूँ दोस्तों जितना मैं अकेले कर पाऊँ, क्योंकि और कोई घर पे जो है मदद नहीं करता है, तो सारी चीज़ें मैं खुद ही करती हूँ। तो इसीलिए जो है उतना ही लगाना चाहती हूँ जितने की केयर मैं कर सकूँ। तो आई होप फ्रेंड्स, आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो प्लीज़ एक लाइक, एक शेयर और एक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। बाय फ्रेंड्स, फिर मिलूंगी एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। हैप्पी गार्डनिंग, थैंक यू।